अगर आप YouTube क्रिएटर है और आपका भी YouTube पर एक YouTube चैनल है और आपके चैनल पर Google AdSense से $10 अर्निंग हो गया है और आपके YouTube डैशबोर्ड पर भी एड्रेस वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन अगर आ रहा है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप Google AdSense में $10 अर्निंग होने के बाद आप एड्रेस वेरिफिकेशन पिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा नाम है बादल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बिफोर ट्रिक्स। तो आप समय नहीं लेते हुए चलिए साथ में सीखते हैं। तो सबसे पहले आपके गूगल एडसेंस के तरफ से अगर यूट्यूब चैनल पर $10 अर्निंग हो गया होगा तो आपके यूट्यूब के डैशबोर्ड पर सबसे फर्स्ट पर ऊपर ही एक ऑप्शन शो कर रहा होगा, प्लीज साइन इन योर गूगल एडसेंस अकाउंट टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, दिस इज रिक्वायर्ड टू रिसीव योर फ्यूचर पेमेंट एंड कंटिन्यू मोनेटाइजेशन। यानी कि आपको फ्यूचर के पेमेंट्स के लिए सबसे पहले आपको अपने YouTube एडसेंस पर अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाना होगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के साथ आपके एड्रेस पर एक Google एडसेंस के तरफ से पिन भेजा जाएगा जिसे आपको एडसेंस अकाउंट में वेरीफाई करना होगा, तभी आपका जो पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे YouTube चैनल पर $10 से ज़्यादा का अर्निंग हो गया है और मेरे भी सामने में ये ऑप्शंस ओपन हो रहा है। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको सबसे पहले अपने Google AdSense को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं अपने Google AdSense को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। Google AdSense को ओपन करने के साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले जो Google AdSense का यूज़र इंटरफेस होता था वो कुछ दूसरे तरह का शो करता था, लेकिन अब Google AdSense अपडेट होने के बाद इसका इंटरफेस बदल चुका है। तो आपको यहाँ पर सबसे फर्स्ट पर ही एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, योर पेमेंट आर करंटली ऑन होल्ड, एक्शन इज रिक्वायर्ड टू रिलीज पेमेंट का। तो आपको इस एक्शन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ ही आपको कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पर वेट कर लेना है। अब आगे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा वेरीफाई नाउ का, तो आपको इस वेरीफाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के साथ ही आपके सामने में कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर वेरीफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप वेरीफिकेशन में इंडियन पासवर्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइवरी लाइसेंस जो होता है वो ये चार डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप आधार कार्ड अपना अपलोड नहीं कर सकते हैं, आधार कार्ड ये वैलिड नहीं होता है, आधार कार्ड एक्सेप्टेड नहीं है। तो आप आधार कार्ड छोड़कर यहाँ पर ये इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइवरी लाइसेंस ये चार चीज़ें आप इनमें से कोई एक चीज़ आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आगे सबसे फर्स्ट में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा लीगल नेम का, तो आपको यहाँ पर अपना लीगल नेम टाइप कर लेना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स पर होगा। जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट्स पर जो आपका लीगल नेम है वो आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। लीगल नेम टाइप करने के साथ ही अब आपको यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पर जाकर आप जिस भी अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पर जाकर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधार कार्ड आर नॉट एक्सेप्टेड यहाँ पर पहले से ही लिख के दिखा दिया गया, तो आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड अपलोड नहीं करें। आगे मैं अपना पैन कार्ड यहाँ पर अपलोड करूँगा तो उसके लिए अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से मैं अपना पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। पैन कार्ड सेलेक्ट करने के साथ ही ये अपलोड हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा पैन कार्ड अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर आगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के साथ ही आपको यहाँ नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ ही अब आपको अपना एड्रेस यहाँ पर फुलफिल कर लेना है। एड्रेस आप जहाँ पर रह रहे हैं या फिर जो आपका एड्रेस आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में है वही आपको यहाँ पर टाइप करना है। आगे यहाँ पर मैं अपने सारे एड्रेस को अच्छी तरह से फुलफिल कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सबमिट का, तो आपको इस सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के साथ ही ये कुछ सेकेंड्स का टाइम लेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो वेरीफिकेशन प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो गया। यहाँ पर आ गया योर वेरीफिकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली कम्प्लीटेड और ये मेरा ईमेल आईडी पर मुझे डिटेल सेंड कर देगा। उसके बाद मैं यहाँ से इसे गॉट इट कर देता हूँ। गॉट इट करने के बाद आपको कुछ सेकंड्स के लिए अगेन यहाँ पर वेट कर लेना जब तक ये लोडिंग ले रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे सामने में जो एक्शंस का ऑप्शन आ रहा था वो ऑप्शन हट चुका है। अब मुझे कुछ देर बाद मेरे ईमेल पर ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन सक्सेसफुली होने के बाद एक मेल आ जाएगा। तो मेरे पास जब तक मेल आता है तब तक इस वीडियो को मैं यहीं पर पॉज कर रहा हूं। जब मेरे पास मेल आ जाएगा उसके बाद आगे मैं आपको बताऊं और उसमें क्या लिखा आता है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि 5 से 10 मिनट के अंदर में ही मेरे पास एक मेल आ चुका है Google AdSense की तरफ से
जिसमें बताया गया कि योर आइडेंटिटी हैज़ बीन वेरीफाइड, प्लीज साइन इन योर गूगल एडसेंस अकाउंट एंड सेट अप योर प्राइमरी पेमेंट मेथड, जिसमें मैं अपना पेमेंट लेना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो आइडेंटिटी वेरीफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब कुछ दिन के बाद ही मेरे एड्रेस पर गूगल एडसेंस के तरफ से एक पिन वेरीफिकेशन के लिए सेंड किया जाएगा, जिससे मैं गूगल एडसेंस पर वेरीफाई करूँगा। तो गाइस, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिली होगी, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक, साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली इसी तरह के वीडियोज़ को अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ।